हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का यूज फॉर्मूला होगा इस चैप्टर में, वो है इस टाइप का फॉर्मूला, साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स। देन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू मेरा क्या होगा, यक्स होगा। जो भी एंगल होगा, ये एंगल वो इक्वल टू हो जाएगा। वेयर ये रेंज हमको याद रखना है, यक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग का होगा साइन इंटू साइन इनवर्स हाफ, देन ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स, तो यहाँ पे ये होगा। अगर मेरा रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस तरह से एग्जांपल लेकर, साइन इंटू साइन इनवर्स टू, तो ये लाई नहीं करेगा, ये इसका इक्वल टू टू इसको हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये माइनस वन और प्लस वन के रेंज में नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। अंडर रेंज ही पूछा जाएगा, इससे बाहर इस टाइप का पूछा नहीं जाएगा, तो इसमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स, एंड साइन इनवर्स साइन यक्स इक्वल टू ऑल्सो यक्स, वेयर यक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। सपोज हम लोग को इस तरह से दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन फोर, ओके, पाई अपॉन फोर, देन मेरा क्या हो जाएगा, पाई अपॉन फोर। इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, तो इसको हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो देखेंगे। तो ये बस याद रखना है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू ऑल्सो एक्स। सारे जो ट्रिगो फंक्शन है, सारे में एक ही फॉर्मूला, इसी टाइप का फॉर्मूला सारे का कॉमन है, बट जो रेंज है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू ऑल्सो एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट सारे में सेम है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। वन टाइप के फॉर्मूले में मेरा क्या, कौन सा फॉर्मूला, ये तीन तीन का पेयर बनाया हुआ है। तो साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू मेरा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। फॉर्मूले को हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, सिंपल में हम लोग क्या जानते हैं, ये तो साइन का रिलेशन क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक साइन, तो इस तरह से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस इक्वल टू वन अपॉन सेक, देन अगर कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स है तो सेक इनवर्स एक्स होगा। टैन का क्या होता है, टैन का इनवर्स वन अपॉन कॉट, तो इस तरह से हम लोग मैचिंग करके भी याद रख सकते हैं। और ये फॉर्मूला का हम कुछ कर नहीं सकते, हम लोग को याद ही रखना है, और ये सारे जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो वहाँ पे यूज होंगे। टाइप टू है मेरा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं, ये भी तीनों मेरा क्या है, पेयर में है। जब हम लोग ट्रिगो फंक्शन पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे, माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, सिंपल माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे इनवर्स में भी वही चीज़ है, साइन माइनस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एंड टेन टेन माइनस थीटा भी उसी तरह से पढ़े थे, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो हम कंपेयर करके भी इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक टाइप थर्ड है मेरा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग किस तरह से ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग ट्रिगो फंक्शन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा नहीं था, पाई माइनस कॉस थीटा था, सेक माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस
sec थीटा था। तो वहाँ जहाँ sec थीटा, जहाँ पे यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन है, जहाँ पे हम लोग का इन्वर्स फंक्शन यूज हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके याद रख सकते हैं, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस कॉट थीटा। नंबर फोर, यहाँ पे है मेरा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये इससे डायरेक्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग का ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों से हम लोग का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से रहता है, अगर एक्स के जगह पे हम लोग का है इस तरह से साइन इन्वर्स हाफ प्लस कॉस इन्वर्स हाफ इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग इसका वैल्यू नहीं ढूंढने जाएंगे कि साइन इन्वर्स कितने डिग्री का वैल्यू, साइन कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। अगर दोनों सेम है, साइन इन्वर्स हाफ प्लस कॉस इन्वर्स हाफ, एक्स दोनों का सेम है, देन हम इसका वैल्यू डायरेक्ट पाई बाई टू लिखेंगे, न कि इसका हम लोग अलग अलग सोल्व करेंगे। अगर मेरा इस तरह से दिया हुआ है, सपोज साइन इन्वर्स माइनस हाफ प्लस कॉस इन्वर्स हाफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है, दोनों का एंगल सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पाई बाई टू नहीं लिखेंगे, ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। टाइप का फॉर्मूला है मेरा टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, तो इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, वेयर एक्स वाई लेस देन वन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, तो यहाँ पे ऊपर अगर प्लस होगा, किस तरह से इसको याद रखने का तरीका, ऊपर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव होगा। तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू वन टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स इंटू वाई, और टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, मतलब जब यहाँ माइनस साइन होगा तो ऊपर माइनस साइन होगा नीचे प्लस साइन होगा, जब यहाँ प्लस साइन होगा तो ऊपर प्लस साइन होगा नीचे माइनस साइन होगा। प्लस माइनस में कन्फ्यूज नहीं होना है, दो तीन बार हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को खुद याद हो जाएगा। तो टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। और एक थर्ड फॉर्मूला है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू वाई, और उसका कंडीशन मेरा क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन वन, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो। तो ये फॉर्मूला उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला मेरा काफ़ी यूज होगा जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला है मेरा टू टेन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए टू टेन इन्वर्स एक्स का तीन फॉर्मूला होता है, एक साइन में, कॉस में, टेन में, तीनों में होता है, और तीनों फॉर्मूला मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टेन इन्वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो देखने वाली बात यह है कि टेन, जब हम लोग यहाँ साइन में टेन को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और जब टेन को टेन में कन्वर्ट करते हैं तो वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, टू एक्स दोनों में सेम होता है। और टेन को अगर कॉस में कन्वर्ट करते हैं देन वन ऊपर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जिसे हम लोग ध्यान में रखेंगे तब हम लोग आगे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो ये तो था मेरा थियोरेटिकल पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, तो हम लोग का फॉर्मूला भी धीरे धीरे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।